राजीव गांधी महिला युवा मित्र पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल के आवास, महिलाओं ने किया धरना शुरू। बहाली को लेकर राजीव गांधी युवा मित्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। इस बीच महिला युवा मित्रों ने राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया है। युवा मित्रों की मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता नहीं हो पाई, लेकिन मांग नहीं माने जाने तक उन्होंने वहीं धरना देने का ऐलान किया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम के तहत 5,000 युवा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। उन्हें 10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस कार्यक्रम में तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके बाद युवा मित्र बहाली को लेकर शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे हैं। इधर आंदोलन के बीच आज कुछ महिला युवा मित्र जवाहर सर्किल के पास स्थित कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुंच गई और वहां धरना शुरू कर दिया। इस दौरान मंत्री किरोड़ीलाल बाहर निकले, लेकिन राजीव गांधी युवा मित्रों से उनकी बात नहीं हो सकी। ऐसे में महिला युवा मित्रों ने किरोड़ीलाल के आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया। महिला युवा मित्रों ने किरोड़ीलाल के आवास के बाहर सड़क पर ही खाना खाया। युवा मित्रों का कहना है कि जब तक उनकी नियुक्ति का आदेश बहाल नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।